नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज है हमारा सेशन नंबर 221, 221वां सेशन। आज का जो सेशन है, बात करेंगे कुछ सोसाइटी से, सोशल इश्यूज से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है हेट स्पीच। हमने इस पर पहले भी बात की हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमने बात कर रखी है, आर्टिकल 19 और उसके 6 क्लॉजेस, और जो उस पर एक फंडामेंटल राइट है तो उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो उस पर हम सब बातें कर चुके हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, मैंने ही आपके साथ काफ़ी सारे लेक्चर्स इस पर बात की है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज जो मतलब एक मुद्दा है, वो थोड़ा करंट टॉपिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि अब हेट स्पीच क्या है, पॉलिसी और गवर्नेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपकी सोसाइटी में अगर यूनिटी ही नहीं है, एक कोहेजन ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है कि कुछ भी चीज़ें अगर आप लेके आओ तो सबका उस पर एक मत हो, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि फिर सिविल वॉर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर डिफरेंसेस, अगर ये गैप बहुत ज़्यादा होता गया, तो कहीं ना कहीं तक हेट स्पीच से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, नफरत नहीं रखना चाहिए, दूसरे के व्यूज़ को अच्छे से सुनना चाहिए। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप सीधा बता सकते हैं कि आई एम टोटली डिसएग्री विद यू, इसमें गुस्सा खाने वाली कोई बात नहीं है। कूल रहना चाहिए, माइंड को कूल रखना चाहिए और आसपास लोगों को खुश देखना चाहिए, हंसते मुस्कुराते देखना चाहिए। समय ऐसा है कि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का, अगर इन सब चीज़ों पे अगर हमने ज़्यादा ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं तक जो देश है वो एक गलत दिशा में चला जाएगा। एक जो मतलब प्रगतिशील देश होना चाहिए वो ना होकर शायद हम बिल्कुल और मतलब हमारे देश का और पता नहीं हो जाए अगर इन चीज़ों को हमने बढ़ावा दिया। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी ये जिम्मेदारी रहती है कि हम इन चीज़ों से बचें, हेट स्पीच से बचें। क्या है करंट न्यूज़, तो ये आप आर्टिकल देख लीजिए, ये न्यूज़ है, पैनल टू डिफाइन ऑफेंसेस ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि अब खासकर बात ये है, होम मिनिस्टर ने इस पर मतलब अभी थोड़ा सा एक्शन लिया है हेट स्पीच को लेके। खास बात ये है, मज़े की बात ये है कि हेट स्पीच की डेफिनेशन है ही नहीं भारत के अंदर, कि हेट स्पीच आप किसको करोगे, किस कैटेगरी को रखोगे। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, IPC की धाराएं भी हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई, 267th रिपोर्ट, 57 पन्नों की वो रिपोर्ट है, उसमें भी उन्होंने क्राइटेरिया बताए हैं, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन कहीं भी नहीं है जिसको आप मान सकें। तो इससे जुड़े हुए कुछ कानून, कुछ प्रोविजंस हम देखेंगे, एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे कैसे वो कानून पूछे जा सकते हैं, सीधा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि क्या भारत में हेट स्पीच को लेकर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या नहीं है। तो उन सब चीज़ों पर अगर इस पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए सेशन, सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए कि इस तरीके के सेशंस हैं, बहुत यूजफुल सेशंस हैं आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और साथ ही साथ सोसाइटी में किस तरीके से यूनिटी बना के चले, कोहेसिव रूप में हम किस तरीके से डेवलपमेंट को देखें। क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही कठिन है हर फ्रंट पे, इकोनॉमी के फ्रंट आप कह लीजिए या फिर चाहे आप डेवलपमेंट के पे बात कर लीजिए। कोविड से अभी हम जूझ ही रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस भी आएगा आगे और इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में यंगस्टर्स, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ध्यान से सभी चीज़ों को समझें, यूनिटी बना के रखें और कंटिन्यू सवाल पूछें। क्योंकि सवाल पूछना बुरा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मॉन्स, बहुत सारे जगहों पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान ये बातें करते हैं कि आप में के अंदर सवाल पूछने की एबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, सवाल कोई बेतुका नहीं होना चाहिए, मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें एक हंगर हो, एक क्यूरियोसिटी हो कि ये सवाल बहुत ही जेन्युइन और बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। चलिए, तो हम इस पे बात करते हैं, कुछ ये बिंदु हैं हमारी IPC, इंडियन पीनल कोड। शैल वी बिगिन, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, IPC डिड नॉट मेंशन अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इंडियन पीनल कोड में हेट स्पीच को लेके प्रोविजंस हैं, लेकिन उसमें हेट स्पीच की क्लियर डेफिनेशन क्या है ये मेंशन नहीं है। इसीलिए हाल फिलहाल अभी जो गृह मंत्रालय है उनको एक कमेटी बनानी पड़ी ताकि जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें किसी तरीके के रिफॉर्म्स लाए जा सकें। और ये जो लॉज हैं, ये लॉज ब्रिटिश एरा के ही लॉज हैं, जो IPC की जो धाराएं हैं ये ब्रिटिश से चलती आ रही है। मज़े की बात ये कि जो हमारा आज का पुलिस सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, ये भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, इसमें कुछ ज़्यादा रिफॉर्म हुआ नहीं है, तब से वैसे का वैसा ही वो ढांचा चला आ रहा है, सिर्फ वर्दियाँ बदली हैं, बाकी तो सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। एज़ पर BPRD क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हेट स्पीच को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की और इन्होंने बताया कि हेट स्पीच आप किसको कहोगे। तो हेट स्पीच डिफाइंड एज अ लैंग्वेज दैट डेनिग्रेट्स, इंसल्ट्स, थ्रेटन्स और टारगेट्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी और अदर ट्रेट्स लाइक सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। अब ये जो एक्सेट्रा वर्ड यूज हो जाता है ना कानून में, इसका बहुत बड़ा दायरा हो जाता है।
देखिए कानून में जहां पे आपने एक्सेट्रा लिख दिया तो आपने लूपहोल छोड़ दिए, अब वो एक्सेट्रा का इस्तेमाल करके कुछ भी वहां पे कर सकते हैं। तो हालांकि हेट स्पीच को इसमें ऐसे छोड़ा गया है, अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 267th रिपोर्ट 2017 में उन्होंने निकाली थी, उसमें हेट स्पीच को बताया, जैसे मैंने आपको बताया 257 पेजों की पूरी रिपोर्ट थी, तो उसमें उन्होंने बताया हेट स्पीच इज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड एक्सेट्रा। खासकर ये जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है भारत में, ये वर्ड की जो है मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से रिलीजन के बेसिस पे जो हेट स्पीचेस और जो हेट क्राइम्स हुए हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़े हैं। अब हेट स्पीच का कारण क्या होता है? देखिए सबसे पहला कारण होता है स्टीरियोटाइप बिलीफ, ठीक है, एक नैरो मतलब मानसिकता कि हम ही हम हैं बाकी पानी कम है, मतलब बाकी तुम लोग भाई मुझसे छोटे हो, मैं हूं जो हूं, अहम ब्रह्मस्मि, इस तरीके की जो बिलीफ होती है स्टीरियोटाइप बिलीफ, सबसे पहला ये कारण होता है हेट स्पीच का। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बताया जाता है कि देखो भाई तुम ही सुप्रीम हो, बाकी जो तुम्हारे सामने जो दिख रहे हैं ना ये सब बेकार हैं, ये इन्फीरियर हैं, इनको मारो इनको, ठीक है। एंड स्टबननेस टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, जनरली क्या होता है कि ये जो जिनकी स्टीरियोटाइप बिलीफ होती है वो जनरली चेंज नहीं करना चाहते खुद को, जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला था बी द चेंज, ठीक है, तो वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, वो एक धारा में चलते रहते हैं, एक ही स्ट्रीम में वो चलते हुए आ रहे हैं पिछले बहुत सालों से, दशकों से, और उसी में वो चलते रहना चाहते हैं, तो फिर लाजमी बात है कि वो जो भी बोलेंगे वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की बात की जाएगी, इंसाइट करने की बात की जाएगी। तो ये दो रीजंस हैं जो हेट स्पीच के दिए जाते हैं। अब आईपीसी के कुछ धाराएं हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, क्या क्या हैं? सेक्शन 153A 153B पनिशेस एक्ट दैट कॉजेज एनमिटी एंड हेट्रेड बिटवीन टू कम्युनिटीज, राइट। तो सेक्शन 153A एंड 153B ये दोनों किसकी बातें करता है कि दो समुदायों के बीच में अगर किसी भी तरीके का जो नफरत है वो फैलाई गई या उनके सौहार्दपूर्ण को अगर मतलब वायलेट करने की कोशिश की गई तो उस पर कुछ पनिशमेंट है। सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी अगेन डील्स विद पनिशिंग एक्ट्स विच डेलिबरेटली और विद मेलिशियस इंटेंशन आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लियर। तो ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धाराएं कम से कम जो है याद रख लीजिएगा, सेक्शन 153A 153B 295A इस तरीके से याद रखिएगा। सेक्शन 505 क्लॉज 1 505 क्लॉज 2 मेक द पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ कंटेंट विच मे कॉज इल विल और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एन ऑफेंस। अब देखिए क्या है कि सोशल मीडिया जब नहीं था तब पोस्टर्स का बहुत चलन था, घरों घरों में पोस्टर्स जाके लग जाते थे, दीवारों पे जाके चिपक जाते थे, इस तरीके से पोस्टर्स का चलन बहुत था। वो चलन देखिए बहुत कम हो गया, क्यों? क्योंकि अब सोशल मीडिया राइज कर गया। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक ले लीजिए, मुझे याद है 2007 या 8 के आसपास में जब फेसबुक मैं चलाया करता था तो हमारे टीचर्स हमें मना करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें मना करते थे, ये सब मत चलाओ, ये टाइम कंज्यूमिंग है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और उसमें क्या था कि उसमें जब उस वक्त चलाते थे तो एक मतलब एक क्यूरोसिटी रहती थी, अच्छा देखो ये देखो फिलीपीन से कोई दिख रहा है, ये कोई वहाँ से अमेरिका से दिख रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, फ्लो बढ़ गया, बहुत सारे लोग आ गए, अब आपकी पूरी फैमिली उस पर आ गई 10 सालों के अंदर में। तो जो लोग आपको स्टार्टिंग में मना कर रहे थे कि मत चलाया करो, पढ़ लो, वेस्टेज ऑफ टाइम है, अब वही लोग इसके एडिक्ट हो गए। अब होने क्या लगा कि लोग आए तो थे आपस में मिलने के लिए, फेसबुक का क्रिएशन तो इसीलिए किया गया था कि अगर कोई एक मित्र है और अपने दूसरे मित्र से वो बात करना चाहता है तो सोशल मीडिया के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए उसकी चीज़ों को देख सकता है, उसकी ग्रोथ को देख सकता है, उसकी खुशियों को देख सकता है, अगर उसके वो किसी तरीके के प्रॉब्लम में है तो उसको सिंपथी दे सकता है बाय यूजिंग दैट काइंड ऑफ ए इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म। लेकिन अब हुआ क्या कि लोग एक दूसरे से मतलब डिबेट करने लग गए, हीटिंग डिबेट, पॉलिटिक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, पर्टिकुलर कम्युनिटीज के ऊपर, पर्टिकुलर पॉलिसीज के ऊपर हीटिंग डिबेट। और जब मतलब मिसमैच होने लगा, अरे यार तेरी सोच तो बिल्कुल अलग थी, मैं तो गलती की तेरे से दोस्ती करके, तो इस तरीके की बातें होने लगी, तो दिस इज हेट्रेड। आपको समझ में आ रहा है? सर्कुलेशन, फिर कंटेंट दिखाए जाते हैं, मान लीजिए कि वो आपको कोई कंटेंट दिखाएगा फिर आप उसको कोई कंटेंट दिखाएंगे, वो आपको कोई न्यूज़ आर्टिकल दिखाएगा आप उसको कोई न्यूज़ आर्टिकल दिखाएंगे, वो आपको कोई पोस्टर दिखाएगा आप उसको कोई पोस्टर दिखाएंगे, ये सब चलता रहता है। और इस वजह से फेसबुक में बहुत सारे ऐसे वायलेंस और हेट्रेड भरे कंटेंट जो है वो भर गए थे।
जिसे मतलब मैं आपको चार्ट दोबारा दिखाऊंगा, सारे चार्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेक्शन 8 ऑफ आरपीए 1951। आरपीए क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक, इसका सेक्शन 8 क्या कहता है, ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रिवेंट्स अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ इलीगल यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। तो इलेक्शन लॉस को लेके हैं, और इलेक्शन लॉज में देखिए नेताओं को तो भाषण करने की आज़ादी मिली जाती है, अब वो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के एवज में बहुत सारे इलीगल बातें, बहुत सारी बेतुकी बातें कर जाते हैं, इलॉजिकल बातें कर जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उनकी जो फैन फॉलोइंग बेस है उनको तो वो अफेक्ट करता ही करता है, अगर पूरे मासिस को ना करे तो, लेकिन एक पर्टिकुलर जो उनका फैन बेस है और फॉलोवर्स है उनको तो वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए बोला जाता है कि अ गुड लीडर इज नोन एज अ क्वालिटी ऑफ हिज फॉलोवर्स, बाय द क्वालिटी ऑफ हिज फॉलोवर्स। तो एक अच्छा नेता जो है अगर उसको जानना है तो उसके जो फॉलोवर्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ फॉलोवर्स हैं उनके, उसको आपको समझना जरूरी है। सेक्शन 123 क्लॉज 3A एंड सेक्शन 125 ऑफ आरपीए बार्स द प्रमोशन ऑफ एनिमोसिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट और लैंग्वेज इन रेफरेंस टू इलेक्शंस एंड इंक्लूड इट अंडर करप्ट इलेक्टोरल प्रोसेसेस। क्लियर। अब इस पे कमेटी बनाई गई 2019 में, विश्वनाथन कमेटी 2019, याद रखना है कमेटी का नाम आपको, हेट स्पीच से रिलेटेड है। इट प्रपोज इंसर्टिंग एक्शन सेक्शन, नॉट एक्शन, सेक्शन 153C क्लॉज बी एंड सेक्शन 505 क्लॉज ए इन आईपीसी फॉर इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेसेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और ट्राइब। तो इन पहलुओं पे लेकर विश्वनाथन कमेटी ने बोला कि भैया एक कुछ सेक्शन इसमें जो है वो इंसर्ट कर दो, जबकि बेस बरुआ कमेटी 2014 उन्होंने तो बोला था कि 153 आईपीसी और 509 ए आईपीसी इनको अमेंड की ही कर दीजिए और 3 साल की सजा भी रखिए और फाइन भी रखिए, जबकि विश्वनाथन कमेटी ने भी बोला था कि 2 साल की आपको सजा होगी और प्लस में 5,000 रुपये तक का फाइन होगा, ये विश्वनाथन कमेटी ने बोला था। हैंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हेट स्पीच को सबसे पहले जो यूनियन मिनिस्ट्री का, ये बहुत ही अच्छा कदम था, ये जो फैसला लिया गया पैनल टू डिफाइन ऑफेंसेस ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका बहुत ही मतलब वेलकम मूव है। और अभी अमेरिका में भी जो बाइडेन ने मतलब अभी एंटी हेट बिल जो है वहाँ पे प्रपोज किया है वहाँ की संसद में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी को कोहेज करने के लिए कुछ ऐसे लॉज हमारे पास होने चाहिए और प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि पॉलिसी मेकर्स को फ़ायदा मिल सके और जो रूल को फॉलो करवा रहे हैं, जैसे कि आपकी पुलिस हो गई, आपके जो दूसरे अन्य ऑफिशियल्स हो गए, उनको भी प्रॉपर समझ मिलनी चाहिए ताकि वो किसी को भी परेशान न कर सके, कॉमन सिटीजन को भी परेशान न कर सके, क्योंकि अभी अभाव है हेट स्पीच के डेफिनेशन का, तो कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ मासूम लोग पिस जाते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्लियर। ये वो लेटेस्ट न्यूज़ था, जॉय बाइडन साइंस बिल टू एड्रेस हेट क्राइम्स अगेंस्ट एशियन अमेरिकन्स, ये रहे जॉय बाइडन। भारत में भी अब इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि हुआ क्या है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ का जो डेमोक्रेटिक नेचर था, वहाँ का जो डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड था, उसको काफ़ी ज़्यादा इरोड कर दिया था, तो उसको देखते हुए जॉय बाइडन का ये जो फैसला है काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस कह सकते हैं आप कि काफ़ी एक्सपीरियंस लीडर भी हैं, काफ़ी मंझे हुए हैं, काम बहुत सारा कर रखा है इन्होंने अमेरिका में, राइट। ये कुछ ग्राफ्स हैं, देख लीजिए, रिलीजन मोटिवेटेड हेट क्राइम्स इन इंडिया 2009 से लेकर 2008 तक का पूरा चार्ट है कि किस तरीके से रिलीजन मोटिवेटेड जो हेट क्राइम हुआ है उसका राइज, सर्च देखिए आप, एकदम एक्सपोनेंशियली जा रहा है, ए की पावर एक्स में एकदम एक्सपोनेंशियल जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आप इंसिडेंट्स देखेंगे इस वाले पे, और इस वाले पे आप डेथ्स देखेंगे, तो डेथ्स भी बढ़े हैं, ठीक है, डेथ्स ये देखिए जो पीरियड ऑटोस हैं, तो डेथ्स भी बढ़े हैं, तो बहुत खतरनाक है ये, तो इससे इसको सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। फेसबुक रिमूव्स रिकॉर्ड नंबर ऑफ हेट स्पीच पोस्ट, यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि फेसबुक में मतलब कैसा कैसा कबाड़ा किया गया है, 2007 में क्या था, 2020 तक आते आते क्या हो गया है, और अब तो बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है सोशल मीडिया का जो गेम है, बिल्कुल मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ और न्यूज़ क्लिप्स आपके लिए, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए चीफ बने हैं, इनको बधाई है हमारी तरफ से, और महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। सेकेंड वेव थ्रेटन्स स्टार्टअप्स एमएसएमई सर्वे, 59% ऑफ फर्म्स में शट शॉप और सेल ऑफ, समझ रहे हैं आप, 59% यानी लगभग 60% मान लेते हैं, तो 10 में से जो 6 फॉर्म्स हैं वो या तो बंद हो गई हैं या बिक गई हैं, सेकेंड वेव ने ये कारनामा कर दिया। अगर वो बिक गई हैं फॉर्म्स
तो सोचिए उनमें रहने वालों का क्या हुआ होगा, मतलब जो उसमें काम करते थे उनका क्या हुआ होगा। जॉब सिनेरियो पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। यूएस पेडलिंग कॉन्स्पिरेसी सेज चाइना। अब देखिए क्या है कि यूएस में डॉक्टर फौची जो हैं उनको भी लगा कि ये वायरस नेचुरल नहीं है, शायद हो सके कि ये लैब से आया हो, तो इस तरीके की बातें की गई। तो यूएस ने भी इस पर एक्शन लिया और उन्होंने बोला कि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। और फिर उसके बाद चाइना की तरफ से ये आया है कि आप ऐसे कॉन्स्पिरेसीज को पेडल मत कीजिए, इट इज़ सो डिसरेस्पेक्टफुल टू WHO टू प्रोब टू रिवाइव द थ्योरी दैट कोरोना वायरस एमर्ज्ड फ्रॉम द वुहान लैब। तो चाइना ये कह रहा है, कितना सही कितना गलत आने वाले समय में पता चल जाएगा। इकोनॉमिक क्रैकर का कॉम्बो कोर्स शुरू हो चुका है, नया बैच फिर दोबारा 8 जुलाई से लॉन्च हो रहा है, खुद को एनरोल कीजिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन हैं, खुद को एनरोल करते चलिए, लगातार टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।